सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गेम थीरीज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम लोग बात करते हैं गेम्स की बैक स्टोरीज, हॉरर लेजेंड्स और उससे भी जुड़े कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के एक और हॉरर लेजेंड एंटिटी जीरो के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स रोल द इंट्रो। एंटिटी जीरो भी एक अर्बन लेजेंड मॉब है जो कि प्लेयर्स को उनके वर्ल्ड में हॉन्ट करता है। एंटिटी जीरो एक सस्पिशियस प्लेयर या एक हैकर नहीं है जो आपके वर्ल्ड में घुसाता है, बल्कि एक मॉब है जो कि खुद माइनक्राफ्ट द्वारा ऐड किया गया है। तो एंटिटी जीरो की स्टोरी को एक अननोन यूज़र द्वारा शेयर किया गया है जो कि ये दावा करता है कि उसके पापा मोजैंग में एक एम्प्लॉय थे। उस यूज़र के अकॉर्डिंग जब माइनक्राफ्ट अपने बेटा फेज में था तब जितने भी डेवलपर्स की टीम थी वो माइनक्राफ्ट में एक बॉस को ऐड करने का सोच रहे थे, क्योंकि उस वक्त एंड डायमेंशन या एंडर ड्रैगन नहीं हुआ करता था गेम में, और यहाँ तक कि नेदर डायमेंशन भी नहीं हुआ करता था। तब डेवलपर्स ने सोचा कि एक ऐसे एंटिटी को बनाया जाए जो कि स्पाइडर्स और जोम्बिस से भी ज़्यादा खतरनाक हो और प्लेयर्स के एक्सपीरियंस को और चैलेंजिंग बना सके, और वो इसके AI को ह्यूमन जैसा बनाना चाहते थे। AI एक बिहेवियर स्क्रिप्ट होता है जो उन्हें कैसे मूव करना है, कब अटैक करना है, ये सब बताता है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन इस टर्म को मैं अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, तो फिर मैं नहीं चाहता कि कोई इनकन्वीनियंस क्रिएट हो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो पूरे डेवलपर्स की टीम ने सोचा कि इस मॉब के सोचने का तरीका अलग होना चाहिए और ये बहुत ही अनप्रिडिक्टिव और चैलेंजिंग होना चाहिए जो कि बिल्कुल नॉर्मल प्लेयर्स की तरह फाइट ले। और तब माइनक्राफ्ट में स्पॉन एग्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो इसे समन करने का तरीका सोचने लगे। और तब उन्हें आइडिया आया कि प्लेयर्स इस एंटिटी से तब फाइट कर सकते हैं जब वो वर्ल्ड बनाने से पहले उसके सीड बॉक्स में 8 बार 0 लिखें और उस वर्ल्ड के एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पर जाएं। उन्होंने इस पूरे आइडिया की तैयारी कर ली, सब मॉडल्स वगैरह बना लिए और ये बॉस पूरी तरह से तैयार भी हो गया, पर मोजैंग ने इसे पब्लिकली अनाउंस नहीं किया और इसे एक ईस्टर एग बना दिया। कुछ अपडेट्स के बाद गेम में एक नए एंड का कॉन्सेप्ट लाया गया जो कि आज हम सबका एंड डायमेंशन है, और एंटिटी जीरो वाले कॉन्सेप्ट को भुला दिया गया, मगर वो गेम में अभी तक मौजूद था। कुछ सालों बाद 2012 में एक प्लेयर ने रिपोर्ट किया कि उसे अपने वर्ल्ड में एक वाइट एंटिटी दिख रहा है जिसकी स्किन बिल्कुल डिसऑर्डर्ड है और वो उसे वर्ल्ड में हॉन्ट कर रहा है। वो रैंडमली उसे दिखाई देता है और उसके ऊपर सुपर स्ट्रेंथ से अटैक करता है। ये सब पता चलने के बाद मोजैंग ने राइटर के पापा को बोला कि वो इसे जल्दी से रिमूव करें, मगर जब भी वो इसे रिमूव करने जाते तब उनका PC क्रैश हो जाता। और 1 महीने बाद ये प्रॉब्लम जब नहीं फिक्स हुई तो मोजैंग ने उन्हें फायर कर दिया। उस प्लेयर ने अपने पोस्ट के साथ एक पिक्चर भी भेजी थी जिसमें वर्ल्ड का सीड भी लिखा था और वो सीड था 0, जो कि बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि अगर तुम माइनक्राफ्ट में एक नया वर्ल्ड बनाओ और सीड को 0 रखो तो तुम्हें सीड कोई भी रैंडम सीड मिल सकता है, मतलब 0 सीड नहीं मिलेगा, कोई रैंडम सीड मिलेगा जैसे 420 32 वगैरह, कोई भी अलग सीड मिलेगा। सीड 0 माइनक्राफ्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके कुछ ही साल बाद एंटिटी जीरो को माइनक्राफ्ट से रिमूव कर दिया गया और इस स्टोरी का फाइनली यहीं पर एंड हुआ। सो यार ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप तुम लोगों को देखे मजा आया। अगर मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो प्लीज अगर चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कौन कौन से माइनक्राफ्ट क्रीपी पास्ता के ऊपर वीडियो देखने चाहते हो तो कमेंट बता देना यार। और या बस इतना ही कहना था, और मैं क्या कह सकता हूँ। ओके बाय। Thank you.